न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। बात करते हैं रीवा की, जहां जिले में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सत्र 2022-23 में प्राइवेट स्कूलों की पहली कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जून से शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून है। RTE पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/RTE पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। पात्रता अनुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा 5 जुलाई को किया जाएगा। इस वर्ष COVID-19 से माता पिता या अभिभावक की मृत्यु से अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री COVID-19 बाल कल्याण योजना में ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जाएगी। ऑनलाइन प्रक्रिया से फॉर्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केंद्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से 1 जुलाई 2022 तक करवाना अनिवार्य होगा। आवेदक ने जिस कैटेगरी या निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उस कैटेगरी एवं निवास प्रमाण का सत्यापन मूल प्रमाण पत्र से किया जाएगा। लॉटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में एडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित विकास खंड के BRC कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची RTE पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही स्कूल आवंटन की जानकारी BRC कार्यालय के सूचना पटल पर भी उपलब्ध रहेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले के सभी अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु 25% सीट आरक्षित है। इन विद्यालयों में प्रवेश की पात्रता रखने वाले बच्चे प्रवेश ले सकते हैं। पात्रता के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभिभावकों के बच्चे, BPL कार्डधारी अभिभावकों के बच्चे, विकलांग बच्चे, वन भूमि पट्टाधारी अभिभावकों के बच्चे तथा कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चे भी शामिल हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 तक निर्धारित है। आवेदन करने के पश्चात आवेदन का प्रिंट लेकर नजदीकी जनशिक्षा केंद्र में मूल अभिलेख दिखाकर सत्यापन कराना अनिवार्य है। जो अभिभावक आवेदन कर चुके हैं वे भी अंतिम तिथि 1 जुलाई के पूर्व अनिवार्यतः सत्यापन करा ले, अन्यथा प्रवेश से वंचित रह जाएंगे। नर्सरी, KG1 और KG2 कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 से 7 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आवेदक की आयु की गणना 16 जून 2022 की स्थिति में की जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र में अंकित तिथि ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी आवश्यक होगी।